बीती रात मणिपुर की राजधानी इम्फाल आईईडी ब्लास्ट से दहल गया। हालांकि गनीमत रही कि इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एक जवान और एक बच्चे को छोड़कर ज्यादा लोग घायल नहीं हुए, लेकिन उससे कुछ ही घंटे पहले पूर्वोत्तर के एक और राज्य असम में जबरदस्त अटैक हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। पूर्वोत्तर के दो राज्य कल गोलियों और धमाके की आवाज से दहल उठे। असम के कोकराझार में जहां बोडो उग्रवादियों ने दिन दहाड़े के 47 और एक के 56 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया और लोगों पर गोलियां चलाने के बाद उनके घरों को बम से उड़ा दिया, वहीं मणिपुर में आईईडी ब्लास्ट के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की गई। असम के कोकराझार में बोडो उग्रवादियों के हमले से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हैं। सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी कार्रवाई में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का एक उग्रवादी भी मारा गया। ये कोकराझार हमले के कुछ घंटे के बाद की तस्वीर है। चारों तरफ बस बर्बादी के निशान हैं। मकान दुकान सब जल चुके हैं, घरों के सामान और साइकिल बाइक भी जल चुके हैं। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा पसरा है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद घंटों में यहां का माहौल बदल गया। दिन में अच्छे खासे मकान और दुकानें थी, जिस वक्त उग्रवादियों ने लोगों पर गोलियां बरसाई, बम फेंककर घरों में आग लगाई, उस वक्त यहां बाजार लगा था, इसलिए आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। लेकिन अब सारे मकान और दुकान ध्वस्त हो चुके हैं, लोगों के भगदड़ में सारा सामान बिखर गया। अब यहाँ चंद सुरक्षाकर्मी हैं जो बर्बादी के ढेर पर पहरेदारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने एनकाउंटर में एक उग्रवादी को मार गिराया और जो दहशतगर्द बचकर निकलने में कामयाब हो गए उनकी तलाश की जा रही है। एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ निहत्ते लोगों पे मार्केट में आक्रमण किया है और हमारी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसमें भी एक मिलिटेंट वहीं न्यूट्रलाइज किया गया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं और भी जो 3-4 लोग हैं उनके लिए हम उनको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने का। ये देखने में तो NDFBS का हाथ लग रहा है। जिस वक्त कोकराझार में हमला हुआ, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली में थे। कोकराझार की घटना के बाद सोनोवाल तुरंत असम लौट गए। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल से बात की। इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड आई कंडेम द किलिंग एंड लाइक आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर, विल टेक स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट दोज हु हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर किलिंग एंड माय गवर्नमेंट इज like taking firm action in it. इस बीच असम सरकार ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया है। असम में हमले के चंद घंटे बाद ही मणिपुर को भी दहलाने की कोशिश की गई। इम्फाल में मणिपुर स्टेट म्यूजियम के पास हुए आईईडी ब्लास्ट में ही सीआरपीएफ के एक जवान और करीब 2 साल का एक बच्चा घायल हो गया।